हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में मैं इन दोनों ट्रक्स के बीच में फाइट कराने वाला हूं। मेरे पास जो है तकरीबन इस तरह के चार ट्रक्स है और चारों ही ट्रक्स जो है गाइस काफी ज्यादा बड़े ट्रक्स है। तो यहां पर मैं आज इन दोनों ट्रक्स के बीच में काफी खतरनाक सी फाइट कराने वाला हूँ। तो ये जो ट्रक है इसका नाम है फ्रीट एक्सप्रेस। काफी ज्यादा बड़ा ट्रक है और इस ट्रक के अंदर तकरीबन 12 व्हील्स लगे हुए होते हैं। इस तरह के बॉक्स में मिलता है हमें ये ट्रक। तो हमारा दूसरा ट्रक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हेवी रोड ट्रक। ये भी एक काफी ज्यादा बड़ा वाला ट्रक है। इस ट्रक के अंदर भी टोटल 12 व्हील्स लगे हुए होते हैं। दोनों ही ट्रक जो है पूरी तरीके से रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। तो चलो दोस्तों, बिना वक्त वेस्ट किए फटाफट से ये वाला ट्रक मैं निकाल लेता हूँ। हमारा एक जो ट्रक है ब्लैक कलर वाला है और दूसरा ट्रक जो है येलो कलर वाला है। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया है तो यार जल्दी से लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी दबाओ और ऑल पर भी जरूर से क्लिक कर देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। तो भाई, ये वाला जो ट्रक है मैंने निकाल लिया है। तो यहाँ से भी निकाल लेता हूँ मैं इस ट्रक को। यहाँ पर रख देते हैं इसे। और ये रहा इसका रिमोट। और दोस्तों, ये रही इसकी बैटरी। इसके साथ हमें एक रिचार्जेबल बैटरी भी मिल जाती है। तो चलो फटाफट से मैं आपको ये वाला ट्रक बताता हूँ। पहले इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं। यार इतना लंबा ट्रक है ये, मैं क्या ही बताऊँ। तो ये इतना बड़ा ट्रक जो है मेरे कैमरे के फ्रेम में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है। तो ये जो है इसका सामने वाला इंजन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर टोटल 6 व्हील्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें बैटरी लगानी होती है इसकी। तो ओवरऑल ट्रक देखने में जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आता है। तो इसका पीछे वाला पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसका ट्रेलर। काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी का ट्रेलर है इसका। यहाँ पे लिखा है फ्रीट एक्सप्रेस बोलकर। यहाँ पर टोटल 6 व्हील्स मिल जाते हैं और इसको यहाँ पे एक स्टैंड भी मिल जाता है हमें इस ट्रेलर को इस तरह से सपोर्ट देने के लिए। पीछे की तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो गाइस, ये जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ पर डोर दिया हुआ है। इसके अंदर हम कोई भी सामान वगैरह भी लोड कर सकते हैं। देख रहे हो गाइस, काफ़ी बड़ा वाला ट्रक है। इस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वाओ, एकदम ज़बरदस्त ट्रक है। तो इसका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका रिमोट। ये जो रिमोट है 27 मेगाहर्ट्ज़ पर चलता है। यहाँ पे हमें 2 AA बैटरीज डालनी होती है। रिमोट भी ठीक ठाक सा ही नज़र आ रहा है। तो चलो अभी हमारे येलो वाले ट्रक को भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये वाले ट्रक का मैं आपको पहले बॉक्स दिखा देता हूँ। पूरी तरीके से येलो कलर का ट्रक है। बॉक्स के पीछे भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो ट्रक है 2 से 3 कलर्स में मिल जाता है। मेरे पास जो है येलो कलर वाला ट्रक है। इसके अंदर जो रिमोट मिलता है 2.4 GHz फ्रिक्वेंसी का रिमोट मिल जाता है। चलो फटाफट से इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। ये भी ट्रक जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसका कलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा गाइस। इसका रिमोट भी निकाल लेते हैं। इन दोनों ही ट्रक्स की फुल अनबॉक्सिंग और बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर आप चाहे तो इसकी फुल वीडियो भी देख सकते हो या फिर इन ट्रक्स को आप खरीद भी सकते हो। ये रहा इसका रिमोट। रिमोट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलता है और रिमोट का साइज़ आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला रिमोट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ से आप इस रिमोट को ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है इस रिमोट का स्टीयरिंग और ये है इसका ट्रिगर। इस तरफ हमें 2 AA बैटरीज डालनी होती है। तो अभी आपको मैं ट्रक भी दिखा देता हूँ। तो ये रहा गाइस हमारा ट्रक। इसको मैं अलग कर लेता हूँ पहले। ओ, एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी है इस ट्रक की। सामने यहाँ पर ग्रिल भी दिया हुआ है ताकि ये जो ट्रक कहीं पर टकराए तो ये जो ट्रक है हमारा डैमेज ना हो सके। तो भाई, अंदर की तरफ भी देख सकते हो काफ़ी अच्छी सीट्स वगैरह भी नज़र आ रही है। स्टीयरिंग भी नज़र आ रही है इस ट्रक के अंदर। यहाँ पर भी हमें 6 व्हील्स मिल जाते हैं पर इस ट्रक के अंदर हमें कोई भी रिचार्जेबल बैटरीज नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें 4 AA बैटरीज डालनी होती है। यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ओवरऑल देखने में जो ट्रक है काफ़ी मस्त नज़र आता है। यहाँ पर बहुत सारी लाइटें भी दी गई है इस ट्रक के अंदर। तो ये रहा इसका ट्रेलर। यहाँ पे लिखा है रोड रेज बोलकर। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ट्रेलर है। यहाँ पे भी हमें 6 व्हील्स मिल जाती है पर यहाँ पे हमें कोई भी स्टैंड वगैरह नहीं मिलता है। और एक चीज़, यहाँ पर इसका ये जो डोर है पूरी तरीके से बंद है गाइस, आप इसे ओपन नहीं कर सकते हो, पूरी तरीके से सील किया हुआ है। ये भी एक बेकार चीज़ लगी मेरे को इस ट्रक के अंदर। बाकी गाइस, इसका जो ट्रेलर है काफ़ी मस्त क्वालिटी का है। तो अभी दोनों ट्रक्स को मैं यहाँ पर साइड बाई साइड रख के आपको दिखाता हूँ।
तो दोस्तों दोनों ही ट्रक्स को जो है मैंने यहाँ पे रख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों ही ट्रक्स का जो साइज़ है बिल्कुल सेम है, बस इसके अंदर जो रिमोट मिलता है दोनों के रिमोट में ही थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर 2.4 GHz का रिमोट मिलता है, इसके अंदर हमें 27 MHz का रिमोट मिलता है, यानी कि इसकी रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, इन दोनों ट्रक्स के बीच में कॉम्पिटिशन करा के देखते हैं दोनों में से कौन सा ट्रक जो है सबसे फास्ट है और देखते हैं किस ट्रक में जो है सबसे ज़्यादा पावर है। लेट्स गो। दोस्तों मैं आ चुका हूँ बाहर इन दोनों ही ट्रक्स को टेस्ट करने के लिए। एक एक करके दोनों ही ट्रक्स को टेस्ट करते हैं। तो पहले टेस्ट करते हैं इसका रेंज टेस्ट। तो यहाँ पे पहले मैं येलो वाली ट्रक को टेस्ट कर रहा हूँ। तो भाई इसकी रेंज आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा दूर तक इस ट्रक को हम चला सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2.4 GHz का रिमोट हमें देखने को मिलता है। तो भाई ऑन रोड पे तो ये जो ट्रक है काफ़ी ख़तरनाक तरीके से चल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके ट्रेलर को अलग करके भी चला के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही ट्रेलर को अलग कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देख रहे हो इसकी स्पीड जो है कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ट्रेलर अटैच करने के बाद इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम हो जाती है गाइस। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ये जो ट्रक है टर्न भी होती है। तो अभी ब्लैक कलर की ट्रक को टेस्ट कर लेते हैं। इसकी रेंज जो है थोड़ी सी कमी देखने को मिलती है गाइस, क्योंकि इसके अंदर 27 MHz का रिमोट हमें मिलता है। तो भाई ये भी जो ट्रक है ऑन रोड पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। तो इसका भी ट्रेलर निकाल कर सिर्फ इसके इंजन को भी चला के देखते हैं गाइस। इस ट्रक की जो स्पीड है थोड़ी सी कम लगी मेरे को, ट्रेलर निकालने के बाद स्पीड काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है ब्लैक वाले ट्रक की भी। तो इन दोनों ही ट्रक्स को ऑफ रोड में भी चला के मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस। तो भी येलो वाले ट्रक को जो है ऑफ रोड में मैं यहाँ पर चला रहा हूँ और काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है ये येलो वाली ट्रक। तो भाई पत्थरों पर भी चला के देखते हैं चलती है कि नहीं। तो यहाँ पर आगे जो है बहुत ज़्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, देखते हैं इसके ऊपर से जा पाती है कि नहीं हमारी ट्रक। तो भाई अभी तक तो काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। ओ भाई साहब यहाँ पे देख रहे हो ये रुक चुकी है, मैं इसको थोड़ा सा धक्का भी दे देता हूँ पर ये जा नहीं रही है यार। तो अभी चल रही है वापस से, पर ये जो ट्रक है पत्थरों पर चल नहीं पाएगी गाइस। तो अभी ब्लैक वाली ट्रक को भी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं ये ट्रक जो है पत्थरों पर चल पाती है कि नहीं। मेरे को नहीं लगता गाइस ये भी ट्रक चलेगी पत्थरों पर, क्योंकि इन ट्रक्स के जो व्हील्स है बहुत ही छोटे दिए हुए हैं। तो भाई देख रहे हो ये भी यहाँ पर फंस चुकी है। तो यहाँ पर इन दोनों ही ट्रक्स का पावर टेस्ट भी करके देखते हैं गाइस, देखते हैं कौन सी ट्रक में है सबसे ज़्यादा पावर। तो भाई यहाँ पर येलो वाली ट्रक में कुछ ज़्यादा ही पावर नज़र आ रही है। अरे नहीं नहीं गाइस, ब्लैक कलर वाली ट्रक भी जो है कुछ कम नहीं है। तो दोनों के ट्रेलर जो है मैंने अलग कर लिए है, अभी देखते हैं कौन सी ट्रक पावरफुल है। तो भाई यहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। दोस्तों आपको इन दोनों ही ट्रक्स में से कौन सी ट्रक अच्छी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। भाई अभी देख रहे हो येलो वाली ट्रक जो है इसे घसीटते हुए लेके जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही ट्रक्स में जो है पावर बिल्कुल सेम टू सेम है। आपको क्या लगता है गाइस दोनों ट्रक्स में से कौन सी ट्रक जो है यहाँ पर है विनर, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। दोस्तों आज मैं दूंगा 10 लोगों को शाउट आउट। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है साहिल, तहसीन, जोसेफ, आयुष, शिशिर,
चिरायु, प्रथम, मनीष, नक्ष, सैम, उज्जवल, दृशांत, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शाउट आउट दे सकूं। नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है एंड, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार RC ट्रक्स के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।